हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार, आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताना है। तो यार, आज से 3 साल पहले मैंने ये चैनल ज्वाइन किया था। तो यार, ये चैनल पहले अभय वेव्स के नाम से मैंने बनाया था, सबसे पहले अभय वेव्स के नाम से। और उसके बाद लगभग 1 साल मैंने अभय वेव्स के नाम से चलाया। उस पर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, जब 400-500 सब्सक्राइबर हो गए तब मुझे लगा कि यूनिक नेम बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे नेम से और भी लोग थे। तो मैंने एडी कैफे ऑफिशियल के नेम से बना दिया। उस पर मैं एडी वीडियोज़ डालता था। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब तो जानते होंगे। तो यार, उस चैनल पर मैंने एडी सॉन्ग्स अपलोड करना चालू किए, मतलब डाउनलोड किया और उसको एडी रीमेक करके अपलोड कर दिया। और भाई, उस पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एक वीडियो, जसमाना की प्राडा सॉन्ग वाली, ये दिख रही होगी आप लोग को साइड में। उस पर जो है 71K प्लस व्यूज़ हो गए थे उस पर, 2022 के जून में हो गए थे। भाई, जब वो पॉपुलर हुआ तो भाई 71K व्यूज़, भाई बहुत टाइम हो गया मेरा 4000, मतलब 4K हो गया और सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़ गए। भाई, मुझे लगा कि अब तो मेरा काम हो गया। यार, मुझे ये नहीं लगा था कि यहाँ से काम बिगड़ जाएगा। इतनी मेहनत से मैंने 4000 घंटे पूरे किए और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए। जब मैंने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, फर्स्ट स्टेप निकल गया, सेकंड स्टेप निकल गया। जब बारी आई थर्ड स्टेप की, तब भाई उसमें 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया यूट्यूब वालों ने, कि मैं 15 दिन का टाइम ले रहा हूँ चेकिंग के लिए। तो भाई, चेकिंग का प्रोसेस 15 दिन का हुआ। भाई, एडसेंस का मैंने अकाउंट बनाया तुरंत, एडसेंस का अकाउंट बन गया। तो यार, थर्ड स्टेप पे एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल मतलब ब्लॉक नहीं किया गया, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं हो पाया, रियूज कंटेंट दे दिया। मतलब मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आते रहे, मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने सोचा कि हो जाएगा, भाई हुआ ही नहीं यार। अब भाई, मैं 2-3 महीने कुछ नहीं किया, 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए लगभग। वहीं जनवरी या फरवरी में 2023 में मैंने फिर से उस चैनल को एडिट कर दिया और वो चैनल बन के आया, व्लॉगर सिंह ऑफिशियल। तो यार, वो चैनल है ये। भाई, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने आप लोग को बताई। अब आप लोग सोचिए कैसा लग रहा होगा मुझे। तो यार, आप लोग अब समझ ही सकते हैं यार, आप लोग समझ सकते हैं यार। तो यार, जब ये मैंने चैनल बनाया, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम हो गया मेरे, उसके बाद जो गैप होता है एग्ज़ाम से और दूसरी क्लास में जाने का गैप, उस गैप में मैंने 2-3 वीडियो बनाई, जो कि व्लॉगिंग करी थी मैंने, व्लॉगिंग। तो यार, मुझे पहले लगा कि व्लॉगिंग कैसे हम करेंगे भाई, कैसे अपलोड करेंगे व्लॉग्स, यार थोड़ी सी शर्म आ रही थी, कैसे कैमरा फेस करेंगे और भाई पब्लिक में कैसे बोलेंगे। ये अभी भी है मेरे अंदर, बट अब जो है थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ। वो मेरे फैमिली मेम्बर जानते हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं यार। अभी के व्लॉग और जो 3-4 महीने पहले के व्लॉग हैं, वो आप देखिएगा, उसमें डिफरेंस बताइएगा आप लोग। तो यार, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भाई ये चैनल यहाँ तक आ चुका है, अब इसको नीचे नहीं गिरने देना है। यार, आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस चैनल को बिल्कुल भी नीचे ना गिरने दीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके बनाया था मैंने चैनल यार। ये यार, फिलहाल अभी जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो रेगुलर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा अभी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसी की तैयारी करूँगा। तो भाई, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये चैनल बैन हो गया, बंद हो गया, मतलब कुछ नहीं रहा, व्लॉगिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये बात भाई आप लोग मन में ना रखिएगा। क्योंकि भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कंटेंट अभी नहीं मिल पा रहा, जब कंटेंट मिलेगा ना तब भाई आप लोगों को ज़रूर दिखाया जाएगा। तो प्लीज़, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।